आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं उनका स्टारडम जानकर आज की पीढ़ी के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये वो अदाकारा हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कैबरे डांस और आइटम सॉन्ग की शुरुआत की थी। 1940 और 50 के दशक में एक आइटम डांस करने का ये अदाकारा लेती थी 6,000 रुपये। उस समय के हिसाब से ये काफ़ी तगड़ी फीस मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में डांस आइटम प्रस्तुत करने वाली पहली अभिनेत्री कुकू मोरे की। ये वही अभिनेत्री हैं जो अपने पालतू कुत्ते के लिए एक लग्जरी कार रखती थीं, आलीशान बंगलो, लग्जूरियस गाड़ियां, 5,000 फुटवेयर और 8,000 से ज़्यादा ड्रेसेस का कलेक्शन। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुकू को अपने आखिरी दिनों में वाकई में सड़क से खाना बटोर कर खाने की नौबत आई थी और आखिरी दिन उन्हें वो भी नहीं मिला। जानेंगे सब कुछ इसी एपिसोड में। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और बेहतरीन पेशकश में आपका स्वागत है। साल 1928 में एक एंग्लो परिवार में जन्मी कुकू मोरे 40 और 50 के दशक में हिंदी फिल्म जगत में एक असामान्य नाम होने की वजह से रबर गर्ल के नाम से जानी जाती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में कुकू एक गाने के लिए 6,000 रुपये लिया करती थी, जो एक तगड़ी फीस थी। बचपन से डांस करने का शौक रखने वाली कुकू की फिल्मों में डांस करने की तमन्ना साल 1946 में नानू भाई वकील द्वारा निर्देशित फिल्म अरब का सितारा में पूरी हुई। अपनी पहली ही फिल्म में कुकू ने इतना अच्छा डांस किया कि इसे देखने के बाद कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। कुकू मोरे मशहूर डांसर हेलन की पारिवारिक मित्र थी। 40 और 50 का दशक वो समय था जब कुकू की वजह से ही फिल्मों में कैबरे डांस जरूरी हो गया था। अपने डांस के अलावा कुकू अपनी शानो शौकत के लिए भी जानी जाती थी। कुकू के पास इज्जत, दौलत और शोहरत के साथ मुंबई में एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला भी हुआ करता था। उस समय में इनके पास 3 लग्जरियस गाड़ियां थी, एक गाड़ी उनके खुद के लिए, एक अपने दोस्तों के लिए और एक उनके कुत्ते के घूमने फिरने के लिए। हेलन की पारिवारिक मित्र होने की वजह से हेलन से उन्हें ज्यादा लगाव था। चूंकि हेलन भी अच्छा डांस कर लेती थी, ये कुकू ही थी जिन्होंने हेलन को फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी और ये भी कहा था कि तुम एक दिन बहुत बड़ी डांसर बनोगी। ऐसा हुआ भी। आगे चलकर हेलन ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। खुद हेलन आज भी फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखने का श्रेय कुकू मोरे को ही देती हैं। वो कुकू ही थी जिनके कारण हेलन को साल 1951 में आई फिल्म शबिस्तान के कोरस में नाचने का मौका मिला और कुछ समय बाद साल 1958 में दोनों ने बिमल रॉय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में एक साथ काम भी किया। मगर कहते हैं ना, किस्मत और वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब पलट जाए। कुकू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि आयकर का उल्लंघन करने की वजह से उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया और कुकू के पास से उनकी दौलत और शोहरत छीन ली गई। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम के अनुसार कुकू अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने आप को ही मानती थी। वो कहा करती थी कि जब उनके पास दौलत और शोहरत थी तब उन्होंने इसकी कदर नहीं की और आखिर में एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ा। तबस्सुम के अनुसार बड़े बड़े 5-स्टार होटलों से खाना मंगा के खाने वाली और अपने दोस्तों को भी खिलाने वाली कुकू का एक समय ऐसा भी आया कि वो सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी वालों द्वारा सब्जियां साफ करने के बाद जो डंठल और सूखे पत्ते सड़क पर फेंके जाते थे उन्हें बटोर कर पका कर खाती थी। आखिरी दिनों में कुकू बहुत बीमार हो गई थी, उन्हें कैंसर ने गिरफ्त में ले लिया था। मगर अफसोस की बात यह थी कि जीवन की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ ना कोई रहने वाला था और ना ही कोई साथ देने वाला। यहां तक कि हेलन और उनकी मां ने भी कुकू का साथ छोड़ दिया था। जिस निर्देशक से वो प्यार करती थी उसने भी इन्हें नहीं अपनाया। आखिरी वक्त में हाल ऐसा हो गया कि इंडस्ट्री ने कुकू को गुमनामी में ही छोड़ दिया। उनके पास दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।
जिसकी वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करा पाई। इंडस्ट्री से भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कुकू को जिनके ऊपर पूरा भरोसा था वो हेलन और उनकी माता भी कुकू को कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आई थी, यही कहना था कुकू का। ये किस्मत का ही सितम था कि जब कुकू जिंदा थी उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ और जब वो मर गई तो कफन को पैसे भी नहीं थे। आखिरकार 30 सितंबर 1981 में कुकू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैसा लगा आपको कुकू मोरे के बारे में बनाया गया हमारा ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहते हैं कि इस दुनिया में कभी भी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पर पूरा भरोसा करता हूँ। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।